चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद पर छोड़े अशोक स्तंभ और इसरो के अमिट निशान, जाने कैसे किया एक काम। चंद्रयान 3 23 अगस्त के चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान भी लैंडर विक्रम से बाहर आ गया। लैंडिंग के करीब 2:30 घंटे बाद प्रज्ञान बाहर आ गया। धूल के पूरी तरह से खत्म होने के बाद प्रज्ञान को इसरो ने विक्रम से बाहर निकाला। प्रज्ञान ने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ दिए हैं। लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अगला काम उसकी गोद में बैठे रोवर प्रज्ञान को बाहर निकालना है। अब असली मिशन शुरू होगा और विक्रम एवं प्रज्ञान मिलकर चांद की दक्षिण ध्रुव की हालचाल बताएंगे। इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आ गया है और उसने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ दिए हैं। प्रज्ञान अब 14 दिन तक चांद पर रहकर स्टडी करेगा और डेटा कलेक्ट करके लैंडर विक्रम को भेजेगा। यहाँ से सभी जानकारियाँ धरती पर बैठे इसरो के साइंटिस्ट को भेजी जाएगी। रोवर प्रज्ञान जैसे आगे आगे बढ़ रहा है, वह चांद की धरती पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ता जा रहा है। प्रज्ञान के पहियों पर इसरो का अशोक स्तंभ का निशान बने हैं, तो जैसे जैसे वह आगे बढ़ा गया चांद की धरती पर ये निशान छोड़ता जाएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग से पहले इसकी जानकारी दी थी। इसमें रोवर के एक तरफ से पहियों पर दूसरे का निशान है और दूसरी तरफ से पहियों पर अशोक स्तंभ का निशान बना हुआ है।